आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। पत्नी का भरण पोषण न देने पर वसूली वारंट, कोर्ट ने एसपी को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई का दिया आदेश। अपर प्रधान न्यायाधीश तृतीय जौनपुर की अदालत ने पत्नी को भरण पोषण न देने पर आरोपी पति आरिफ उर्फ चांद बाबू निवासी सरदार खां बाजार भदोही के खिलाफ वसूली वारंट जारी किया है। साथ ही एसपी भदोही से जवाब तलब किया है। आपत्ति दर्ज करते हुए कोर्ट ने कहा कि भदोही पुलिस लगातार बगैर तामिला कराए नोटिस वापस कर दे रही है। जौनपुर की जरीना की शादी चांद बाबू के साथ हुई थी। परिवार न्यायालय तृतीय की अदालत ने 4,000 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण के लिए कहा था। पीड़िता को अभी तक 2.88 लाख का भुगतान नहीं किया गया। कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ वसूली वारंट जारी किया है। इसके साथ ही एसपी को भी पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं न्याय की गुहार लेकर भदोही जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची पीड़िता जरीना ने कहा कि क्या मुझे न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा कि मैं गरीब हूँ। उसने आरोप लगाया कि मेरा पति मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, प्रताड़ित करता है। पीड़िता ने कहा कि प्रशासन मेरे साथ न्याय करे, यही आशा लेकर आज जिला मुख्यालय आई हूँ। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। इधर देखिए, बोलिए। मेरा नाम जरीना अंसारी है, मैं जौनपुर जिले के मड़ियाहू में रहती हूँ और मेरी शादी भदोही सरदार खां बाजार में हुई थी आरिफपुर चांद बाबू के साथ। अब वो लोग हमेशा शुरू से मुझे बहुत प्रताड़ित करते रहे, पूरे ससुराल वाले, सास ससुर नंद देवर सब मुझसे दहेज की डिमांड हमेशा करते रहे। मेरे घर वाले जितना हो सका सब दिए थे। ऐसा नहीं वो तलाक देना चाहते हो आपको? नहीं, हम लोग इतना मेरे घर वाले जाते तो वो लोग मिलते ही नहीं। यहाँ से मेरे पापा चाचा सब लोग जाते, वहाँ से मेरे भाई लोग, वो भी मंडी रहते थे, भाई लोग वहाँ जाते तब वो लोग मिलते ही नहीं। और अगर मिलते तो कहते कि हम लोग ना छोड़ेंगे ना रखेंगे, हमको इतना दहेज दो पहले, नहीं तो तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। क्या चाहते हैं आप? अब वो दूसरी शादी कर लिए, हमको खर्चा चाहिए, हमको रहने के लिए जगह चाहिए। वहाँ दूसरी शादी कर लिया और कह रहे तो तेरे भाई को भी झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा, पुलिस वालों को पैसा दूंगा लेकिन तुझे खर्चा नहीं दूंगा। तुम लोग क्यों मुकदमा किया? आपने FIR दर्ज किया है? जी, मेरा मुकदमा जौनपुर में चल रहा है और यहाँ इतनी बार मैं आई, उनको वारंट उनका कटा है, पुलिस वालों के साथ मिल गए, पुलिस वाले भी उनके साथ मिल गए, पुलिस वालों को पैसा दे देते हैं, वहाँ आके बैठते हैं, रोज आके बैठते हैं और उन लोग को पैसा दे देते हैं। कितनी बार पुलिस वाले हम लोग को बुलाए परेशान करने के लिए, हम लोग आते लेकिन हम लोग को घर नहीं दिलवाए। कहाँ की पुलिस बुलाती है आपको? भदोही थाना। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।